के केवल में कुल तत्व संख्या कितनी है? 22। और इसे 12। और सबसे हल्का तत्व कौन है? अच्छा प्राकृतिक तत्व की संख्या कितनी है? 98। अच्छा धातुओं की संख्या कितनी है? और धातुओं के 18 को उप धातु 7 को है। अच्छा बताइए हीलियम क्या है? गैस है। गैस। कैसा गैस है? सक्रिय है। अच्छा बताइएगा गुब्बारे में कौन गैस भरा रहता है? हीलियम। अच्छा बताइएगा चिप्स के पैकेट या कुरकुरे कुरकुरे के पैकेट में नाइट्रोजन, क्योंकि 9 से नाइट्रोजन, 9 से नीचे जिसको नीचे रहना है उसको नाइट्रोजन में भर जाएगा, जिसको ऊपर रहना है हवा में उठना है तो हीलियम गैस। ठीक है। अच्छा बताइए सर्वाधिक उपलब्ध तत्व की संख्या, सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध तत्व कौन है? ऑक्सीजन। अच्छा मतलब जो हम लोग लेते सांस के रूप में लेते हैं क्या लेते हैं? ऑक्सीजन। उसका सूत्र क्या है? O2। अच्छा बताइएगा जो छोड़ते हैं वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। उसका अर्थ बताइएगा CO2। ठीक है। सर्वाधिक मात्रा में धातु उपलब्ध कौन है? एल्युमिनियम। तो बताइए एल्युमिनियम के बर्तन बासन रहता है कि नहीं? एल्युमिनियम रहता है। अच्छा एल्युमिनियम को संकेत नाम क्या है? उसका परमाणु संख्या कितनी है? 13। सबसे भारी तत्व कौन है? ऑस्मियम। सबसे भारी तत्व ऑस्मियम। और सबसे हल्का धातु कौन है? तो लिथियम है। अच्छा लिथियम के परमाणु संख्या कितनी है? ठीक है। अच्छा वह कौन धातु है जो द्रव अवस्था में है? पारा। पारा जो है द्रव अवस्था में। पारा का सांकेतिक नाम क्या है? अच्छा उसका परमाणु संख्या कितनी है? 80 है। ठीक है। अरे वह कौन धातु है जो द्रव अवस्था में है? सॉरी वह कौन धातु है जो द्रव अवस्था में है? ब्रोमीन। अच्छा ब्रोमीन का संकेत क्या है? तो Br। क्या है? Br। उसका परमाणु संख्या कितनी है? 35 है। ठीक है। सर जी आ गए, इसको हम कल आगे कराएंगे।